तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुम्भ पांडा फोर के बारे में अभी फाइनलीस इसका फाइनल ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है और उसकी रिलीजिंग डेट भी अनाउंसमेंट कर दी गई है तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं जैसा कि प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग और और भी जितनी भी जानकारी है सारे कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बलाइकन दबा कर इसे पर सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों इसके

की अगली कड़ी है फिल्म माइक मिशेल द्वारा निर्देशित और स्टेफनी मास्टाइन द्वारा सह निर्देशित है और इसमें जैक ब्लैक डस्टिन हॉफमैन जेम्स होंग ब्रायन क्रैंस्टन और इयान मैकशेन पिछली फिल्मों की अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं जिसमें अकवाफना वियोला डेविस और के हुई शामिल है क्वा न कलाकारों में शामिल हो रहे हैं निर्देशक जेनिफर यूहन नेल्सन और एलेसेंड्रो कार्लोनी से जनवरी 2016 में तीसरी फिल्म की रिलीज से पहले चौथी फू पांडा फिल्म की संभावना के बारे में पूछा गया था नेल्सन ने बाद में अगस्त 2018 में कहा था कि वह चौथी किस्त के लिए तैयार है। ड्रीमवर्क्स ने आधिकारिक तौर पर अगस्त 2022 में चौथी फिल्म की घोषणा की जिसमें अप्रैल 2023 तक मिशेल मास्टाइन और रेबेका हंटले क्रमशः निर्देशक सह निर्देशक और निर्माता के रूप में शामिल हुए अधिकांश मुख्य आवाज़ कलाकारों की घोषणा दिसंबर 2023 में अक्वाफिना की कास्टिंग के बाद की गई थी उस वर्ष मई कुंगफू चार आठ मार्च 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली है परिसर पोप जो शांति की घाटी का आध्यात्मिक नेता बनने के लिए तैयार है गिरगिट नामक एक नए दुश्मन से लड़ते हुए नए ड्रैगन योद्धा के रूप में अपने उत्तराधिकारी की तलाश करता है एक कास्ट मुख्य लेख कुंगफू पांडा पात्रों की सूची ओके रूप में जैक ब्लैक एक विशाल पांडा जो ड्रैगन योद्धा के रूप में अपनी उपाधि त्यागने के बाद एक आध्यात्मिक नेता बनने के लिए तैयार है दो जेन के रूप में अकवाफना एक कॉर्सैक लोमड़ी जो एक चोर है और पो के साथ उसकी यात्रा में जाती है दो गिरगिट के रूप में वियोला डेविस एक दुष्ट आकार बदलने वाली गिरगिट जादूगरनी जो दूसरों की क्षमताओं को अवशोषित करके उनके कुंगफू फू की नकल कर सकती है दो डस्टिन हॉफमैन मास्टर शिफू एक लाल पांडा और पो के बुद्धिमान गुरु के रूप में दो श्री पिंग पो के दत्तक हंस पिता के रूप में जेम्स होम। दो ली शान पो के जैविक पिता के रूप में ब्रायन क्रेंसटन दो लुंग के रूप में यान मैक्शिन एक हिम तेंदुआ जो पहले शिफू का शिष्य था जब तक कि वह बुराई में नहीं बदल गया पहली फिल्म में वह पो द्वारा पराजित और परास्त हो गया था लेकिन गिरगिट द्वारा उसे आत्मा क्षेत्र से वापस लाया गया दो के हुई क्वान हान के रूप में एक सुंडा पैंगोलिन जो चोरों की मांद का नेता है दो ग्रैनी सुअर के रूप में लोरी टैन चिन, एक सुअर जो अपने दांत निकाल सकती है और उन्हें हथियार के रूप में उपयोग कर सकती है तीन मछली नाव के कप्तान के रूप में रोनी चेंग जो पेलिकन के मुंग में रहता है तीन निर्देशक माइक मिशेल ने कहा कि मास्टर्स टाइग्रिस मंकी क्रेन मेंटिस और वाइपर जिन्हें सामूहिक रूप से फ्यूरियस फाइव के रूप में जाना जाता है फिल्म में दिखाई देंगे और वे अपने व्यक्तिगत मिशन पर हैं निर्माता रेबेका हंटले ने इसकी पुष्टि की है फ्यूरियस फाइव की एक झलक होगी तीन चार उत्पादन विकास तीन दिसंबर 2010 को ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के सीईओ जेफरी कैजेनबर्ग ने कहा कि संभावना है कि फू पांडा तीन के बाद श्रृंखला में तीन और सीक्वेल हो सकते हैं जो इसे छह फिल्म श्रृंखला में लाएगा पांच तेरह जनवरी 2016 को कोलाइडर ने कुफु पांडा तीन के फिल्म निर्माताओं से चौथी फिल्म की संभावना के बारे में पूछा सह निदेशक जेनिफर यूहन नेल्सन ने कहा यह एक समय में एक है हम इसे एक आदर्श गहना बनाना चाहते हैं और फिर हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है सह निर्देशक एलेसेंड्रो कार्लोनी ने कहा सीक्वल के साथ हम हम उन्हें खुलापन महसूस कराने की कोशिश नहीं करना चाहते है। हम चाहते हैं। हैं कि यह एक पूर्ण यात्रा की तरह महसूस हो और हमें लगता है कि यह फिल्म ऐसा करती है और फिर अगर एक शानदार कहानी स्वयं को प्रस्तुत करती है बढ़िया 6 दो अगस्त 2018 को जब नेल्सन से कुंगफू पांडा चार की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने हमेशा श्रृंखला को एक त्रयी के रूप में देखा था लेकिन जब तक फ्रेंचाइजी पो पर केंद्रित है तब तक वह चौथी किस्त के लिए तैयार है। सात अगस्त 2022 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने पुष्टि की कि कुम्फू पांडा चार उत्पादन में था आठ अप्रैल 2023 में सिनेमाकॉन में फिल्म के लिए अधिक विवरण सामने आए जैसे कि जैक ब्लैक द्वारा वर्णित आधार नौ यह भी घोषणा की गई थी कि माइक मिशेल फिल्म का निर्देशन करने के लिए तैयार थे स्टेफनी मास्टाइन सह निर्देशन और रेबेका हंटले निर्माता थी दस यह पूरी तरह से ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा अपने ग्लेंडेल परिसर में द वाइल्ड रोबोट के साथ बनाई जाने वाली आखिरी दो फिल्मों में से एक होगी जारा कार्टून ब्रू ने अक्टूबर 2023 में बताया कि ड्रीमवर्क्स 2024 के बाद बाहरी स्टूडियो पर अधिक भरोसा करने के लिए घर में फ़िल्मों का निर्माण करने से दूर जा रहा था पिछले महीने बैठकों की एक श्रृंखला में मुख्य परिचालन अधिकारी रैंडी लेक द्वारा छंटनी के हिस्से के रूप में रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए निर्धारित ड्रीमवर्क्स की तीन अघोषित फिल्मों में से एक के लिए सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स को एनिमेशन सेवा के रूप में नामित किया गया था बारह लेखन और एनिमेशन मिशेल ने कुंग पांडा चार को पहली फिल्म का एक प्रेम पत्र बताया तीन तेरा श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों से इसके संबंध के बावजूद वह चाहते थे कि कहानी अपने दम पर खड़ी रहे तेरा इसके अतिरिक्त वह पोके चरित्र को विकसित करना नए पात्रों को पेश करना और फ्रेंचाइजी की दुनिया का विस्तार करना चाहते थे चौदह उन्होंने पो को दुनिया के बारे में श्वेत श्याम दृष्टिकोण वाला बताया और उसे अधिक नैतिक रूप से भूरे चरित्र जेन के साथ जोड़ना चाहते थे मिशेल भी एक ऐसा किरदार चाहते थे जिससे पो निराश हो सके जैसे शिफु। ससे कैसे निराश हो जाता है तीन गिरगिट के लिए मिशेल ने उसे अधिक दिमाग वाले खलनायक की तरह बनाने की कोशिश की तीन उन्होंने आगे कहा कि वह सबसे चतुर और सबसे अलौकिक दुश्मन है जिसका पो ने सामना किया है चार तेरह उन्होंने गिरगिट को पो के दर्पण के रूप में वर्णित किया कि दोनों पात्रों को उनके शरीर के कारण समाज द्वारा कम आका गया था लेकिन उन्होंने उच्च दर्जा हासिल किया उन्होंने कहा तो पो सबसे महान नायक बन गई है और अब वह सबसे बड़ी खलनायक है तेरह मिशेल के अनुसार फिल्म के लड़ाई के दृश्य प्रौद्योगिकी और कुंग फू दोनों में प्रगति को दर्शाते हैं तीन और श्रृंखला की पिछली फिल्मों की तुलना में एनिमे से अधिक प्रभाव लेते हैं तेरह मार्वल फिल्मों के स्टंट कलाकार एनिमेट्रो को कोरियोग्राफी में अध्ययन और उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोडक्शन में शामिल हुए तीन कास्टिंग मई 2023 में यह बताया गया कि अकवाफिना फिल्म के वॉयस कास्ट में शामिल हो गई थी 15 दिसंबर 2023 में यह घोषणा की गई कि के ह्यूक्वान और विओला डेविस कलाकारों में शामिल होंगे जिसमें बाद में फिल्म द गिरगिट के खलनायक की भूमिका निभाई जाएगी 16, 17 लोरी टैन चिन और रोनी चिएंग को भी नए कलाकारों के रूप में घोषित किया गया तीन इयान मैक्शिन ब्रायन क्रेंसटन जेम्स होंग और डस्टिन हॉफमैन ने पिछली फिल्मों की अपनी भूमिकाओं को दोहराया दो अठारह संगीत दिसंबर 2023 तक हंस जिमर और स्टीव माजारो जिनमें से पूर्व ने पहली तीन फिल्मों के लिए भी रचना की थी को फिल्म का स्कोर तैयार करने की घोषणा की गई थी उन्नीस रिलीज पुंगफू पांडा चार आठ मार्च 2024 को रिलीज होने वाली है आठ नेटफ्लिक्स के साथ यूनिवर्सल के सौदे के हिस्से के रूप में फिल्म पे टीवी विंडो के पहले चार महीनों के लिए पीकॉक पर स्ट्रीम होगी फिर अगले दस के लिए नेटफ्लिक्स पर चली जाएगी और फिर शेष चार के लिए पीकॉक पर वापस आ जाएगी बीस इक्कीस मार्केटिंग वो फिल्म के प्रचार के लिए नवंबर 2023 में मैसी के थैंक्स गिविंग डे परेड में लौट आए बाईस फिल्म का ट्रेलर पोस्टर के साथ 13 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था ट्रेलर को सभी सोशल मीडिया पर पहले 24 घंटों में 142 मिलियन से अधिक बार देखा गया जो यूनिवर्सल एनिमेटेड के लिए सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया फिल्म द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू दो और पुस इन बूट्स द लास्ट विश को पीछे छोड़ते हुए माइक मिशेल जन्म 18 अक्टूबर 1970 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक लेखक निर्माता अभिनेता और एनिमेटर है उन्होंने ड्यूस बिगालो मेल जिगोलो सर्वाइविंग क्रिसमस स्काई हाई श्रेक फॉर आफ्टर एल्विन एंड द चिपमस चिपवरेग्ड द स्पंज मूवी स्पंज आउट ऑफ वॉटर लाइव एक्शन सीक्वेंस ट्रॉल्स द लेगो मूवी दो द फिल्मों का निर्देशन किया दूसरा भाग और कुंग फू चार। प्रारंभिक जीवन मिशेल का जन्म ओक्लाहोमा सिटी ओक्लाहोमा में हुआ था वह वकील और ओक्लाहोमा क्षमा और पैरोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रॉबर्ट मिशेल और जूलिया बेकर के बेटे थे उनके पिता के अनुसार कलात्मक कल्पना के लिए मिशेल के उपहारों की खोज जल्दी ही कर ली गई थी उन्होंने पुटनम सिटी नॉर्थ हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इस दौरान कला में बहुत अधिक शामिल रहे फिर बाद में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में भाग लेने के लिए लॉस एंजल्स चले गए उनके कार्यकाल के दौरान युवा एनिमेटरों की मांग थी जो उन टेलीविजन की ओर ले गई टिम बर्टन और स्पाइक जोन्स जैसे फिल्म निर्माताओं के लिए काम करते हुए मिशेल एक चित्रकार बन गए उनकी एक बड़ी बहन सुजैन मिशेल रॉबर्टसन है कैरियर उन्होंने मैट ओकेलाघन की द इट्सी बिट्सी स्पाइडर के लिए निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया उन्होंने पहली बार आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने लघु फिल्म हार्ड का सह लेखन, निर्माण और निर्देशन किया जिसने 1999 सौ निन्यानवे स्लैम डांस फेस्टिवल में स्पिरिट ऑफ स्लैम डांस अवार्ड सहित कई फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीते उसी वर्ष उन्होंने रॉब स्नाइडर अभिनीत कॉमेडी ड्यूज बिगालो मेल जिगोलो के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की उन्होंने डिज्नी ड्रीम वर्क MTV, Nickelodeon, यूनिवर्सल और सोनी सहित विभिन्न कंपनियों के लिए काम किया उन्होंने एल्विन एंड द चिपम्क्स चिपवरेग्ड सर्वाइविंग क्रिसमस और स्काई हाई फिल्मों का निर्देशन किया पहले दो को नकारात्मक समीक्षा मिली जबकि तीसरे को सकारात्मक समीक्षा मिली 2006 में वह ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में शामिल हो गए और श्रेक द थर्ड के लिए एक कहानी कलाकार और फू पांडा के लिए क्रिएटिव सलाहकार थे बाद में उन्होंने श्रेक फॉरएवर आफ्टर फिल्म का निर्देशन किया और बटर के किरदार को आवाज दी मिशेल की लघु फिल्म फ्रेनीज क्रिसमस को 2012 में अकादमी फिल्म आर्काइव द्वारा संरक्षित किया गया था एक उन्होंने मॉन्स्टर्स वर्सेस एलियंस में एडवाइजर वेजी ज्यादातर फिल्म के लिए नर्ड के रूप में जाना जाता है और पुस इन बूट्स में एंडी जैक बीनस्टॉक के लिए एक आवाज अभिनेता के रूप में भी काम किया उन्होंने द स्पंज मूवी स्पंज आउट ऑफ वॉटर पर लाइव एक्शन दृश्यों का भी निर्देशन किया वह न केवल फिल्मों में बल्कि टेलीविजन में भी काम करते हैं उन्होंने स्पंजबॉब स्टेयर पैंट्स के कई एपिसोड का निर्देशन और लेखन किया मिशेल ने एनिमेटेड फिल्म द लेगो मूवी दो द सेकेंड पार्ट का भी निर्देशन किया जिसे 8 फरवरी 2019 को सकारात्मक समीक्षा मिली मिशेल नाइट क्रॉलर का भी निर्देशन करेंगे जो एक अलौकिक एक्शन कॉमेडी है दो स्काई हाई की अगली कड़ी तीन पुस्तक वी आर नॉट फ्रॉम हियर का एक लाइव एक्शन एनिमेटेड रूपांतरण चार और एक लाइव एक्शन बटा एनिमेटेड पफ द मैजिक ड्रैगन गीत का रूपांतरण पांच छब्बीस अप्रैल 2023 को यह घोषणा की गई कि मिशेल कुंगफू पांडा फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त का निर्देशन करने के लिए तैयार है जो 8 मार्च 2024 को रिलीज होगी छ पुरस्कार सन्डांस फिल्म फेस्टिवल फ्रैनीस क्रिसमस उन्नीस एस्पेन शॉर्ट्स फेस्ट उन्नीस सौ निन्यानवे हर्ड उन्नीस सौ निन्यानवे के लिए विशेष पहचान हासिल की अटलांटा फिल्म फेस्टिवल उन्नीस सौ निन्यानवे सर्वश्रेष्ठ नैरेटिव शॉर्ट के लिए माननीय उल्लेख जीता हर्ड उन्नीस सौ निन्यानवे बर्मिंगहम साइडवॉक मूविंग पिक्चर फेस्टिवल उन्नीस सौ निन्यानवे हर्ड उन्नीस सौ निन्यानवे के लिए प्रथम पुरस्कार जीता स्लैम डांस फिल्म फेस्टिवल उन्नीस सौ निन्यानवे हर्ड उन्नीस सौ निन्यानवे के लिए स्पिट ऑफ स्लैम डांस पुरस्कार जीता हाई मॉम फिल्म फेस्टिवल 2000 हज़ार हर्ड उन्नीस सौ निन्यानवे के लिए प्रथम पुरस्कार जीता मूवी गाइड अवार्ड 2020 हजार बीस द लेगो मूवी दो द सेकेंड पार्ट दो हजार उन्नीस त्रिशा गम के साथ के लिए परिवारों के लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार जीता फिल्मोग्राफी निदेशक वर्ष शीर्षक टिप्पणियां उन्नीस सौ निन्यानवे झुंड लघु फिल्म लेखक और निर्माता भी ड्यूस बिगालो नर जिगोलो 2004 क्रिसमस जीवित रहना 2005 आकाश को चूमती हुई 2010 हजार उसके बाद हमेशा के लिए 2011 एल्विन और चिपमंक्स चिपव्रिग 2015 हजार पंद्रह मूवी स्पंज आउट ऑफ वॉटर लाइव एक्शन अनुक्रम 2016 हजार सोलह ट्रोल्स दो लेगो मूवी दो दूसरा भाग 2024 हजार चौबीस कुम्फू पांडाचार एनिमेटर वर्ष शीर्षक टिप्पणियां उन्नीस सौ अट्ठानवे अतिरिक्त कहानीकार दो हजार चार श्रेक दो दो हजार सात श्रेक द थर्ड दो हजार नौ राक्षस बनाम एलियंस कहानीकार दो हजार सोलह पार्टी अतिरिक्त स्टोरीबोर्ड कलाकार ध्वनि भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका 2001 बंदर की हड्डी मिस हडलै 2009 राक्षस बनाम एलियन सलाहकार नर्ड वेजी दो हजार उसके बाद हमेशा के लिए टूर गाइड बटा कैंप ओग्रे बटा ओग्रे नैसेर बटा बाबा विच बटा मिल्टी विच बटा विच गार्ड दो बटा बटर पैंट्स मेगा माइंड भीड़ में पिता 2011 बूट पहनने वाला बिल्ला एंडी बीनस्टॉप 2014 हजार चौदह के पेंगुइन अंटार्कटिक पेंगुइन 2016 हजार सोलह कुंगफू पांडा तीन नर महल हंस बटा स्मार्ट पांडा ग्रामीण ट्रोल्स डेरियस विनी द फोन कैप्टन स्टार फंकल स्पाइडर वेजीबर्गन एक चार्ड कार्ड 2019 लेगो मूवी दो दूसरा भाग शेरी स्क्रैच एंड पोस्ट अन्य श्रेय अभिनेता वर्ष शीर्षक भूमिका उन्नीस सौ झुंड पत्रवाहक रचनात्मक सलाहकार कुंगफू पांडा 2008, विशेष धन्यवाद कुंगफू पांडा 2 2011, घर 2015, कैप्टन अंडरपेंट्स, द फर्स्ट एपिक मूवी 2017, ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर 2020, हजार बीस इन बूट्स द लास्ट विश 2022, कार्यकारी निर्माता कुंगफू पांडा तीन दो हजार सोलह रूबी गिल तिरानवे कार्टून सुशी उन्नीस सौ अट्ठानवे ग्रेग द बन्नी दो हजार दो स्पंजबॉब स्वेयर पेंट्स दो शून्य शून्य पाँच दो शून्य शून्य सात लाइव एक्शन निर्देशक स्टोरी बोर्ड निर्देशक और लेखक द लूप दो हजार सात धड़कन चलती रहती है 2018 द्वारा निर्मित पात्रों पर आधारित द बारबेरियन एंड द ट्रोल 2021 आलोचनात्मक स्वागत दोस्तों इससे पहले भी इस एक तरह से फ्रेंचाइजी के अंदर हमें कई मूवीज़ और कई वीडियो गेम्स और कई सीरीज हमें देखने को मिल चुकी हैं कुम्पू पांडा तकरीबन तीन मूवीज़ आ चुकी है अभी चौथी हमें देखने को मिली है जिसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 8 मार्च 2024 को इसे रिलीज़ किया जाएगा और यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेन कंट्री की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट और चाइना में इसे बनाया गया है और साथ ही साथ इसे एक तरह से ओ टी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो अमेजोन प्राइम पर इसे एक तरह से रिलीज किया जाएगा जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इसे उतारा जाएगा तकरीबन एक या दो महीने बाद बाकी आप इसे सिनेमा हॉल्स में देख पाओगे जैसे ही रिलीज़ होगी दोस्तों इसके अब कास्टिंग के बारे में मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ थॉमस जैकब जैक ब्लैक जन्म 28 अगस्त उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेता हास्य अभिनेता और संगीतकार है उन्हें एनिमेटेड फिल्मों में अपनी आवाज के काम के अलावा पारिवारिक और कॉमेडी फिल्मों में भूमिकाओं के लिए जाना जाता है उनकी प्रशंसा में एक एमी पुरस्कार एक ग्रैमी पुरस्कार और तीन गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन शामिल है ब्लैक की कुछ सफल फिल्मों में हाई फिडेलिटी 2000, हजार शेलो हेल दो स्कूल ऑफ रॉक 2003, हजार तीन किंग कांग दो हजार पाँच द हॉलीडे दो हजार छ नाचो लिब्रे दो हजार थंडर दो हजार आठ और शामिल है बर्नी दो हजार ग्यारह तब से उन्होंने घूसबंप्स दो हजार सोलह इसके सीक्वल घूसबंप्स दो हॉन्टेड हेलोवीन दो हजार अठारह जुमान जी वेलकम टू द जंगल 2017 इसके सीक्वल जुमान जी द नेक्स्ट लेवल 2019 और द हाउस विद ए क्लॉक इन इट्स में अभिनय किया है दीवारें 2018 उन्होंने आइस एज 2002 हजार दो शार्क तेल दो हजार चार कु्रेंचाइजी में पो और द सुपर मार यो ब्रदर्स मूवी 2023 में बोसर में आवाज की भूमिकाएं भी निभाई हैं ब्लैक बैंड टेनियस डी के प्रमुख गायक हैं जिसे उन्होंने उन्नीस में अपने पुराने मित्र काई गैस के साथ मिलकर बनाया था उन्होंने 2015 में द लास्ट इन लाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ धातु प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता 2018 से ब्लैक ने जाबलिन्स की गेम्स नामक एक YouTube चैनल संचालित किया है दो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा थॉमस जैकब ब्लैक तीन का जन्म 28 अगस्त उन्नीस को सांता मोनिका कैलिफोर्निया में हुआ था चार पांच सैटेलाइट इंजीनियर थॉमस विलियम ब्लैक और जूडिथ लव कोहेन के पुत्र थे छह उनका पालन पोषण कैलिफोर्निया के हरमोसा बीच में हुआ उनकी मां ने मिनटमैन परमाणु मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली अपोलो चंद्र मॉड्यूल मार्गदर्शन प्रणाली हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए विज्ञान ग्राउंड स्टेशन पर काम किया और एक लेखिका भी थी सात आठ नौ उनकी मां के माध्यम से उनके तीन बड़े सौतेले भाई बहन हैं वैज्ञानिक नील सीगल हॉवर्ड सीगल और राचेल सीगल नौ उनकी मां यहूदी पैदा हुई थी जबकि उनके पिता ने यहूदी धर्म अपना लिया था ब्लैक का पालन पोषण यहूदी धर्म में हुआ उन्होंने हिब्रू स्कूल में पढ़ाई की और बार मिर्जवा की उपाधि प्राप्त की दस उनकी अन्य वंशावली में अंग्रेजी जर्मन आयरिश पोलिश रूसी और स्कॉटिश शामिल है ग्यारह बारह जब ब्लैक दस वर्ष का था तब उसके माता पिता का तलाक हो गया तेरह और उसके पिता ने यहूदी धर्म का पालन करना बंद कर दिया चौदह 15 ब्लैक अपने पिता के साथ कलवर सिटी चला गया और अक्सर अपनी माँ के घर जाता था एक बच्चे के रूप में वह एक्टिविजन गेम पिटफॉल के विज्ञापन में दिखाई दिए उन्नीस में सोना हाई स्कूल के लिए ब्लैक के माता पिता ने उसे पोसिडॉन स्कूल में नामांकित किया जो एक निजी माध्यमिक विद्यालय था जो पारंपरिक स्कूल प्रणाली में संघर्ष कर रहे छात्रों के लिए बनाया गया था सत्रह उन्होंने क्रॉसरोड स्कूल में भी दाखिला लिया जहां उन्होंने नाटक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स यूसीएलए में दाखिला लिया 18 लेकिन मनोरंजन में अपना करियर बनाने के लिए अपने दूसरे वर्ष के दौरान पढ़ाई छोड़ दी उन्नीस यूसीएलए के साथी छात्र टिमरा ऑबिन्स ने बाद में बॉब रॉबर्ट्स में ब्लैक को कास्ट किया उन्नीस सौ पंचानवे और उन्नीस सौ छियानवे में उन्हें एचबीओ स्केच कॉमेडी श्रृंखला मिस्टर शो में आवर्ती भूमिकाएं मिली बीस आजीविका मुख्य लेख जैक ब्लैक फिल्मोग्राफी एक नौ आठ दो एक नौ नौ नौ, नौ प्रारंभिक भूमिकाएं उन्नीस में ब्लैक की पहली अभिनय नौकरी 13 साल की उम्र में वीडियो गेम पिटफॉल के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन में थी दो एक नौ आठ सात में ब्लैक एक्टर्स गैंग में शामिल हो गए जो टिम रॉबिन सहित यूसीएलए के छात्रों द्वारा स्थापित एक थिएटर मंडली थी और विभिन्न स्टेज प्रस्तुतियों में दिखाई दी बाईस ब्लैक के वयस्क करियर की शुरुआत प्राइम टाइम टेलीविज़न पर छोटी भूमिकाओं से हुई जिनमें लाइफ गोज ऑन नॉर्दर्न एक्सपोजर मिस्टर शो पिकेट फेसेस द गोल्डन पैलेस और द एक्स फाइज शामिल है ब्लैक बेन स्टिलर द्वारा निर्देशित अप्रसारित टीवी पायलट हीट विजन एंड जैट में दिखाई दिए जिसमें उन्होंने अभिनेता रॉन सिल्वर द्वारा पीछ आ किए गए एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाई उनके साथ उनका दोस्त भी था जो एक मोटरसाइकिल के साथ विलय कर चुका था जिसे ओवेन विल्सन ने आवाज दी थी तेईस टिम रॉबिन्स द्वारा बॉब रॉबर्ट्स में कास्ट करने के बाद ब्लैक एयरबोर्न उन्नीस सौ तिरानवे दिमोलिशन मैन वॉटरवर्ल्ड द फैन द केबल गाय मार्स अटैक्स जैसी छोटी फिल्म भूमिकाओं में दिखाई देने लगे डेड मैन वॉकिंग द जैकाल क्रॉसवल्स एनिमी ऑफ द स्टेट और अन्य ट्रू रोमांस में उनकी एक सुरक्षा गार्ड की छोटी सी भूमिका थी लेकिन वह दृश्य हटा दिया गया चौबीस दो शून्य 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 दो शून्य एक चार करियर स्टार्डम दो हजार ग्यारह में ब्लैक 2000 में ब्लैक ने जॉन क्यूसेट द्वारा संचालित एक रिकॉर्ड स्टोर में एक जंगली कर्मचारी के रूप में फिल्म हाई फिडेलिटी में सा अभिनय किया ब्लैक हाई फिडेलिटी में अपनी भूमिका को हॉलीवुड परिदृश्य में अपनी सफलता के रूप में मानते हैं 25 उन्हें जल्द ही शैलो हिल नाचो लिब्रे टेनियस डी इन द पिक ऑफ डेस्टिनी ईयर वन और गुलीवर्स ट्रेवल्स जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं मिल गईं उन्हें स्कूल ऑफ रॉक में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए विशेष प्रशंसा मिली आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संगीत या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त किया 26 ब्लैक ने हु वॉन्ट्स टू बी अ में भाग लिया डेनिस लेरी जिमी किमेल और अन्य के साथ सेलिब्रिटी संस्करण के लिए उन्हें अक्टूबर 2001 में एक लाख पच्चीस हजार अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया गया था 27 उन्होंने आईसेज 2002 हजार में जेके सहित एनिमेटेड फीचर में वॉयस ओवर भी किया है 28 उनतीस और लेनी इन शार्क टेल 2004 हजार तीन शून्य तीन एक दो शून्य शून्य चार में ब्लैक ने कार्टून नेटवर्क के एडल्ट स्विम शो टॉम गोज टू द मेयर के पहले एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई बत्तीस उन्होंने अपनी कुछ नाटकीय भूमिकाओं में से एक में पीटर जैक्सन की 2005 की किंग कांग की रीमेक में जुनूनी फिल्म निर्माता कार्ल डेनहम के रूप में अभिनय किया यह प्रदर्शन उन्होंने ऑर्सन वेल्स पर आधारित किया था 2006 में उन्होंने रिकार्डो मोन्टाल्बन थिएटर में टिम राइस और एंड्रयू लॉयड वेबर के जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार के एक रात के लाभ संगीत कार्यक्रम में राजा हेरोड की भूमिका निभाई तैतीस उसी वर्ष उन्होंने नैन्सी मेयर्स की रोमांटिक कॉमेडी द हॉलीडे 2006 में केट विंसलेट के रोमांटिक प्रेमी के रूप में अभिनय की या इसके अलावा 2006 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म नाचो लिब्रे 2006 में अभिनय किया जिसे उन्होंने निर्मित भी किया और द पिक ऑफ डेस्टिनी में टेनियस डी जिसे उन्होंने लिखा और निर्मित भी किया 2007 में उन्होंने निकोल किडमैन और जेनिफर जेसन ले द्वारा अभिनीत नोआ बाम्बाच निर्देशित कॉमेडी ड्रामा फिल्म मार्गोट एट द वेडिंग में सहायक भूमिका निभाई उसी वर्ष उन्होंने वॉक हार्ड द दे डेवी कॉक स्टोरी 2007 हजार में पॉल मेकाटनी की भूमिका निभाते हुए एक छोटी सी भूमिका निभाई ब्लैक ने अन्य अवसरों पर आवाज दी है जिसमें द सिंपसन का हसबैंड एंड नाइव्स भी शामिल है जो 18 नवंबर 2007 को प्रसारित हुआ था जिसमें प्रतिद्वंद्वी कॉमिक बुक स्टोर के मिलनसार मालिक मिलो का किरदार निभाया गया था चौंतीस अगले वर्ष उन्होंने मॉसडेव के साथ बड़ी कॉमेडी बी काइंड रिवाइंड 2008 और बेन स्टिलर और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ युद्ध व्यंग्य ट्रॉपिक थंडर में अभिनय किया 14 दिसंबर को उन्होंने 2008 स्पाइक वीडियो गेम अवार्ड्स की मेजबानी की ब्लैक ने निकलोडियन किड्स च्वाइस अवार्ड्स और एक्सेप्टेबल टीवी की मेजबानी की है पैंतीस जून 2011 में कुंगफू पांडा दो प्रीमियर में ब्लैक उन्होंने कुम्फु पांडा में शीर्षक भूमिका निभाई जिसने 6 जून 2008 को अपने शुरुआती दिन में बीस तीन मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की साथ ही कुम्फु पांडा दो और कुम्फु पांडा तीन भी यह उनकी पसंदीदा भूमिका है और वह सह कलाकार और दो बार के अकादमी पुरस्कार विजेता डस्टिन हॉफमैन की ट्यूशन की प्रशंसा करते हैं छत्तीस कुम्फु पांडा 2008 के अलावा सैंतीस उन्होंने हेवी मेटल थीम वाले एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम ब्रूटल लीजेंड में मुख्य किरदार रोडी एडी रिग्स की आवाज दी जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ आवाज का पुरस्कार जीता 2009 में स्पाइक वीडियो गेम अवार्ड्स में पुरस्कार तीन आठ दो शून्य शून्य नौ में वह द ऑफिस के सुपरबा उल एपिसोड के बाद शो के भीतर एक नकली फिल्म में क्लोरी लीचमैन और जेसिका अल्बा के साथ दिखाई दिए उनतालीस उन्होंने हेरोल्ड रेमिस निर्देशित एडवेंचर कॉमेडी ईयर वन 2009 में माइकल सेरा के साथ अभिनय किया अप्रैल 2009 में ब्लैक ने यो गब्बा गब्बा के एक एपिसोड में अभिनय किया जिसमें उन्होंने इट्स नॉट फन टू गेट लॉस्ट फ्रेंड्स और द गुड बाय सॉन्ग जैसे बच्चों के गाने गाए 40 यूट्यूब पर स्टार वार्स की मूल त्रयी की बैड लिप रीडिंग की पैरोडी में ब्लैक ने डार्थ वाडर को आवाज दी 41 2010 में ब्लैक ने कम्युनिटी 42 में अतिथि भूमिका निभाई और निक्लोडियन के आईकार्ली में आई स्टार्ट ए फैन वॉर नामक एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई तैंतालीस चवालीस ब्लैक अनटेलीवाइज्ड टीवी नेटवर्क लघु फिल्म फेस्टिवल चैनल 101 पर कई बार दिखाई दिए हैं जो डैन हार्मन और रॉब शाप द्वारा निर्मित है उन्होंने मैन टाइम बेल्ड और फाट शो में अभिनय किया है उन्होंने औपनिवेशिक युग की सैन्य वर्दी पहनकर अप्रसारित स्केच कॉमेडी टाउन का परिचय भी दिया परिचय में वह जॉर्ज वाशिंगटन होने का दावा करता है और थॉमस जेफरसन और अब्राहम लिंकन जैसे अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतियों की उपलब्धियों का श्रेय लेता है उद्धरण वांछित उनकी अगली फिल्म द बिग ईयर एक प्रतिस्पर्धी बर्ड वॉचिंग कॉमेडी जिसमें ओवेन विल्सन स्टीव मार्टिन और जोबेथ विलियम्स सह कलाकार थे अक्टूबर 2011 में रिलीज हुई थी 45 ब्लैक ने इस बार दूसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया 2011 में रिचर्ड लिंकलेटर की ब्लैक कॉमेडी बर्नी में उनकी मुख्य भूमिका के लिए कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी उन्होंने वास्तविक जीवन के हक यारे बर्नी टाइडे की भूमिका निभाई जो पूर्वी टेक्सास के एक छोटे से शहर में एक अंतिम संस्कार निदेशक है जो शर्ली मैकलेन द्वारा अभिनीत एक अमीर विधवा से दोस्ती करता है और अंततः उसकी हत्या कर देता है ब्लैक का संयमित चित्रण प्रामाणिक पूर्वी टेक्सास उच्चारण और संगीत प्रतिभा वह कई सुषमाचार भजनों के साथ साथ सेहत्तर सिक्स भी गाता है रोजर एबर्ट ने ब्लैक के काम को वर्ष के प्रदर्शनों में से एक के रूप में वर्णित किया था छियालीस जब बैंड को कैनेडी सेंटर ऑनर्स के 2012 हजार बारह प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया तो उन्होंने लेड जेपेलिन को श्रद्धांजलि अर्पित की चार सात दो शून्य एक छः में ब्लैक जलवायु परिवर्तन वृत्तचित्र शो इयर्स ऑफ लिविंग डेंजरसली में एक सेलिब्रिटी संवाददाता के रूप में शामिल हुआ चार आठ दो शून्य एक आठ में ब्लैक गोरिल्लाज गीत विनम्रता के संगीत वीडियो में दिखाई दिए उनचास हजार पंद्रह वर्तमान दो हजार उन्नीस में अक्वाफिना ब्लैक और करेन गिलन 2015 में ब्लैक ने गूसबम्स के लिए वास्तविक जीवन के लेखक आर्यल स्टाइन का एक काल्पनिक संस्करण निभाया और स्टाइन की दो रचनाओं स्लैपी द डमी और द इनविजिबल बॉय को आवाज दी 50 उन्होंने फिल्म के 2018 सीक्वल गूसबम्स दो हॉन्टेड हेलोवीन में स्टाइन की भूमिका दोहराई उन्होंने एनिमेटेड यूट्यूब श्रृंखला टेनियस डी इन पोस्ट एपोकैलिप्टो में खुद को और कई अन्य अतिरिक्त पात्रों को आवाज दी जिसे उन्होंने अपने टेनियस डी पार्टनर काइल गैस के साथ सह निर्देशित और सह लिखित भी किया 2017 में उन्होंने बच्चों की एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म जुमानजी वेलकम टू द जंगल में प्रोफेसर शेल्डन शेली ओबेरॉन के शरीर में रहने वाली एक किशोर लड़की की भूमिका निभाई उन्होंने ड्वेन जॉनसन केविन हार्ट और करेन गिलन के साथ अभिनय किया फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह वित्तीय रूप से सफल रही अगले वर्ष उन्होंने गस वन सेंट नाटक डोंट वरी ही विल नॉट गेट फार ऑन फुट 2018 हजार में एक सहायक नाटकीय मोड़ लिया फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसमें जोकमिन फीनिक्स रूनी मारा और जोना हिल ने अभिनय किया उन्होंने फिल्म के सीक्वल जुमानजी द नेक्स्ट लेवल 2019 में अपनी भूमिका दोहराई जो पहली फिल्म की तरह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई इसके अलावा उस वर्ष उन्होंने केट ब्लैंचेट और रेनी एलिस गोल्ड्सबेरी के साथ बच्चों की फंतासी फिल्म द हाउस विद ए क्लॉक इन इट्स वॉल्स 2019 में अभिनय किया 2022 में उन्होंने रिचर्ड लिंकलेटर की एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म अपोलो दस एक टू ए स्पेस एज चाइल्डहुड में अपनी आवाज दी इसके अलावा उस वर्ष उन्होंने रोकू जीवनी पैरोडी फिल्म वियर्ड द अलयांकोविक स्टोरी 2022 में डिस्ट जॉकी वोल्फमैन जैक की भूमिका निभाई 2022 से शुरू होकर उन्होंने नेटफ्लिक्स एनिमेटेड श्रृंखला कुंगफू पांडा द ड्रैगन नाइट में पोकी भूमिका दोहराई उन्होंने पैरामाउंट प्लस सीरीज बिग नेट और एडल्ट स्विम सीरीज रिक एंड मोर्टी में भी अतिथि भूम इका निभाई अगले वर्ष ब्लैक ने इल्यूमिनेशन की एनिमेटेड फीचर फिल्म द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी में बोसेर को आवाज दी जो निंटेंडो गेम्स पर आधारित थी यह फिल्म अप्रैल 2023 में रिलीज हुई थी और 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर सफल रैंकिंग थी इक्यावन बावन उसी वर्ष उन्होंने मेल हुलू कॉमेडी श्रृंखला हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पार्ट टू में जोसेफ स्टालिन और डिज्नी प्लस श्रृंखला द मांडलोरियन में कैप्टन बॉम्बार्डियर की भूमिकाएं भी निभाई तिरपन ब्लैक कुंगफू पांडा चार में पो की वापसी के लिए तैयार है और बॉर्डरलैंड्स 2024 में क्लैप ट्रैप को आवाज देगा चौवन पचपन अन्य उद्यम संगीत कैरियर मुख्य लेख दृढ़ डी किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है विश्वसनीय सूत्र जोड़कर कृपया मदद करें जीवित व्यक्तियों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए खासकर यदि संभावित रूप से अपमानजनक हो स्रोत ढूंढें जैक ब्लैक समाचार समाचार पत्र किताबें विद्वान जेएसटीओ आर नवंबर दो हजार चौदह जाने की इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है टेनियस डी के काइल गैस के साथ ब्लैक ब्लैक कॉमेडी रॉक बटा हार्ड रॉक बैंड टेनियस डी के लिए काइल गैस के साथ मुख्य गायक और गिटारवादक है छप्पन उन्होंने चार एल्बम जारी किए हैं एक स्वशीर्षक डेब्यू द पिक ऑफ डेस्टिनी राइज ऑफ द फेनिक्स और पोस्ट एपोकैलिप्टो उनके एल्बम द पिक ऑफ डेस्टिनी का एक गाना जिसका शीर्षक द मेटल है संगीत वीडियो गेम गिटार हीरो थ्री लीजेंड्स ऑफ रॉक सत्तावन और ब्रूटल लीजेंड में इस्तेमाल किया गया था अट्ठावन एल्बम टेनियस डी का रॉक योर सॉक्स संगीत वीडियो गेम रॉक बैंड अनप्लग्ड में भी बजाया गया था उनसठ द पिक ऑफ देश टिनी के मास्टर एक्सप्लोडर का उपयोग संगीत वीडियो गेम गिटार हीरो वैन हेलन रॉक बैंड दो और ब्रूटल लीजेंड में किया गया साथ ही टेनियस डी के उनके गीत ट्रिब्यूट में भी मास्टर एक्सप्लोडर और द मेटल को कॉमेडी फिल्म टेनियस डी इन द पिक ऑफ डेस्टिनी में दिखाया गया है स्टेनियस डी के दिग्गज लियाम लिंच द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ब्लैक की कॉमेडी के लिए द सुपर फैन और सेक्वाज जैसे किरदारों को बार बार दिखाया गया है फिल्म में कई मशहूर हस्तियों की भूमिकाएं थी अभिनेता टिम रॉबिन्स कैमियो करते हैं और देव ग्रोहल शैतान के रूप में बेन स्टिलर एक गिटार सेंटर में एक कार्यकर्ता के रूप में भी दिखाई देते हैं यहां तक कि ट्रिब्यूट के संगीत वीडियो में भी उनकी भूमिका है साठ 2006 में ब्लैक का प्रदर्शन टेनियस डी ने यूनाइटेड माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फाउंडेशन इकसठ को इन बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और 20 दिसंबर 2001 को लॉस एंजल्स में संगठन के लिए धन जुटाने में मदद की बासठ और 16 जून 2007 को सैन डिएगो कैलिफोर्निया में टेनियस डी को देखा जा सकता है नब्बे के दशक की पॉली शोर फिल्म बायोडो में प्रदर्शन कर रहे हैं जहां यह जोड़ी सेव द एनवायरनमेंट पार्टी में इसके गीत द फाइव नीड्स का प्रदर्शन कर रही है ब्लैक ब्रॉडवे स्टार क्रिस्टिन चेनोवेट और किशोर गायिका अभिनेत्री ओलिविया ओल्सन के साथ द एल एन डीजेनरस शो के एलेन द म्यूजिकल नामक एपिसोड में अतिथि कलाकार भी थे शो में गायन के अलावा उन्होंने मेज़बान के साथ अपनी आगामी फिल्म नाचो लिब्रे पर चर्चा की नोरा लुंग एक जन 2 जून 1988 दो जिन्हें पेशेवर तौर पर अकवाफना के नाम से जाना जाता है एक अमेरिकी अभिनेत्री रैपर और हास्य कलाकार है वह 2012 में प्रमुखता से उभरी जब उनका रैप गीत माई वैग यूट्यूब पर लोकप्रिय हो गया इसके बाद उन्होंने अपना पहला एल्बम येलो रेंजर 2014 जारी किया और एम कॉमेडी श्रृंखला गर्ल कोड दो शून्य एक चार दो शून्य एक पांच में दिखाई दी उन्होंने कॉमेडी नेबर्स दो सोरोरिटी राइजिंग 2016 हजार सोलह ओशियंस आठ दो क्रेजी रिच एशियंस 2018 और जुमान और जुमानजी द नेक्स्ट लेवल 2019 में सहायक भूमिकाओं के साथ फिल्मों में विस्तार किया द फेयरवेल 2019 में एक दुखी युवा महिला की भूमिका के लिए अकवाफना ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता 2020 से अकवाफना ने कॉमेडी सेंट्रल श्रृंखला इज नोरा फ्रॉम क्वीन्स के सह निर्माता, लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है जिसमें वह खुद का एक काल्पनिक संस्करण भी निभाती है 2021 में उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सुपर हीरो फिल्म शामची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स में कैटी की भूमिका निभाई तीन उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों द एंग्री बर्ड्स मूवी दो 2019, राया एंड द लास्ट ड्रैगन 2021, हजार द बैड गाइज दो और म्यूजिकल द लिटिल मरमेड 2023 में आवाज की भूमिकाएं भी निभाई हैं। प्रारंभिक जीवन अकवाफना का जन्म स्टोनी ब्रुक न्यूयॉर्क में हुआ था चार वैली लूम एक चीनी अमेरिकी और टिया लूम एक कोरियाई अमेरिकी के घर पांच उनके पिता सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करते थे चार और रेस्तरा चलाने वालों के परिवार से आते हैं उनके परदादा 1940 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे और उन्होंने फ्लशिंग क्वीन्स में कैंटोनीज रेस्तरां लम्स खोला था छह पड़ोस के पहले चीनी रेस्तरा में से एक साथ उनकी मां एक चित्रकार थी जो उन्नीस में अपने परिवार के साथ दक्षिण कोरिया से संयुक्त राज या अमेरिका में आकर बस गई छह उन्नीस सौ बानवे में जब अकवाफना चार वर्ष की थी तब फुफुसीय उच्च रक्तचाप से उनकी मृत्यु हो गई और बाद में अकवाफिना का पालन पोषण उनके पिता और दादा दादी ने किया पांच वह विशेष रूप से अपनी दादी पोवा लूम के करीब हो गई पांच सात आठ अकवाफना फॉरेस्ट हिल्स क्वींस में पली बढ़ी और उसने फियोरेलो एच लागाडिया हाई स्कूल में पढ़ाई की जहां उसने तुरही बजाया और शास्त्रीय संगीत और जैज में प्रशिक्षण प्राप्त किया 9 अक्टूबर 2015 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज नाम अकवाफना अपनाया निश्चित रूप से एक व्यक्ति जिसका मैंने दमन किया था और अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान अपने शांत और अधिक निष्क्रिय व्यक्तित्व के लिए एक परिवर्तित अहंकार अपनाया ग्यारह दिसंबर 2013-2006 से 2008 तक उन्होंने बिना किसी बाधा के अपनी दादी के साथ संवाद करने के लिए बीजिंग भाषा और संस्कृति विश्वविद्यालय में मंदारिन सीखी दो चौदह उन्होंने अल्बानी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में पत्रकारिता और महिला अध्ययन में पढ़ाई की और 2011 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की दस कैरियर अख्वाफना ने तेरह साल की उम्र में रैप करना शुरू कर दिया था तेरह उन्होंने गैराज बैंड के साथ संगीत का निर्माण शुरू किया लेकिन अंता लॉजिक प्रो और एबल्टन सीखा एक पाँच दो शून्य एक दो में उनका गाना माई वैग यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ नौ उन्होंने मूल रूप से कॉलेज में गीत लिखा था पंद्रह मिकी एवलॉन के माई डिक ट्रिब्यूट टू नैट की प्रतिक्रिया के रूप में सोलह जब उसके नियोक्ता ने उसे वीडियो में पहचान लिया तो उसे एक प्रकाशन गृह में नौकरी से निकाल दिया गया पंद्रह सोलह उनका एकल हिप हॉप एल्बम येलो रेंजर ग्यारह फरवरी दो हज़ार चौदह को जारी किया गया था सत्रह इसके ग्यारह ट्रैक में यूट्यूब पर रिलीज किए गए उनके कई पिछले एकल शामिल हैं जिनमें शीर्षक ट्रैक येलो रेंजर क्यूफ भी शामिल है और एनवाईसी बिच डॉलर 2014 में अकवाफना गर्ल कोड के तीसरे और चौथे सीजन के छह एपिसोड में दिखाई दी एक आठ दो शून्य एक पाँच में उन्होंने एम पर इसके स्पिन ऑफ गर्ल कोड लाइव की सह मेजबानी की उन्नीस 2016 में उन्होंने कॉमेडियन मार्गरेट चो के साथ ग्रीन टी गीत पर सहयोग किया जो एशियाई रूढ़िवादिता पर मजाक उड़ाता है 20 वह 25 अक्टूबर 2014 को टेनियस डी के फेस्टिवल सुप्रीम में लाइनअप का हिस्सा थी 21 वह न्यूयॉर्क में बार में डिस्क जॉकी डीजे भी थी 22 तेईस चौबीस उन्हें 2016 की डॉक्यूमेंट्री बैड रैप में चित्रित किया गया है जो 2016 हजार ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में एक आधिकारिक चयन है यह उन पर और डम फाउंडेड और लिरिक्स जैसे एशियाई अमेरिकी रैपर्स पर ध्यान केंद्रित करता है 25, 26 उन्होंने 8 जून 2018 को एक साथ ट्रैक ईपी इनफिनावी ट्रस्ट जारी किया 27 इसने सर्वश्रेष्ठ हिप हॉप बटा रैप एल्बम के लिए 2019 हजार ए दो आई एम लिब्रा पुरस्कार जीता 28 2018 में केन जियोंग के साथ अक्वाफिना। अक्वाफिना ने 2015 से 2017 तक डिजिटल प्रोडक्शन कंपनी एस्ट्रोनॉट्स वांटेड के लिए शॉर्ट फॉर्म टॉक शो वेब सीरीज टॉक की मेजबानी की पहले सीजन का प्रीमियर यूट्यूब पर हुआ और इसे वेरिजोन के गो नब्बे प्लेटफॉर्म पर विशेष स्ट्रीमिंग के लिए चुना गया उनतीस यह 2016 के वेबी अवार्ड्स में एक आधिकारिक सम्मान था और इसे समाचार और संस्कृति श्रेणी में 2016 के स्ट्रीमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था तीन शून्य दो शून्य एक छः में उन्होंने नेबर्स दो सोरोरिटी राइजिंग में कप्पा नू की सदस्य क्रिस्टीन की सहायक भूमिका निभाई इकतीस बत्तीस और एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म स्टॉप में बटेर को आवाज दी 2018 में उन्होंने इंडी कॉमेडी ड्यूड में चार सबसे अच्छे दोस्तों में से एक रेबेका की भूमिका निभाई वह ओसियंस आठ में मुख्य कलाकारों में से एक थी जो ओसियंस ट्रिलॉजी की पूर्णता महिला स्पिन ऑफ थी इसके बाद उन्होंने जॉन एम चू द्वारा निर्देशित फिल्म क्रेजी रिच एशियंस में अभिनय किया जिसमें मुख्य किरदार राचेल चू कॉन्स्टेंस हु के सिंगापुर के कॉलेज मित्र गो पीक लिन की भूमिका निभाई तीन तीन दो शून्य एक सात में हु श्रृंखला फ्यूचर मैन में उनकी आवर्ती भूमिका थी चौतीस उन्होंने 2018 हजार अठारह ट्रेडियो एमएमवीएस की मेजबानी की पैंतीस अकवाफना ने 6 अक्टूबर 2018 को सैटरडे नाइट लाइव के एपिसोड की मेजबानी की और इस शो की मेजबानी करने वाली दूसरी पूर्वी एशियाई अमेरिकी महिला बन गई लूसी लियू के बाद जिनके एपिसोड को अकवाफना ने एक दिन एसएनएल की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध होने के लिए अपनी प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया उन्होंने सैंड्रा ओ की छाप छोड़ी जो बाद में सीजन में एसएनएल एपिसोड की मेजबानी करने वाली पहली पूर्वी एशियाई कनाडाई महिला और समग्र रूप से मेजबानी करने वाली तीसरी पूर्वी एशियाई महिला बनी छत्तीस दो में अक्वाफिना ने लुलु वांग द्वारा निर्देशित फिल्म द फेयरवेल में अभिनय किया उन्होंने एक लेखिका बिली की भूमिका निभाई जो चीन में अपनी बीमार दादी से मिलने जाती है सैतीस फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली अक्वाफना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला अड़तीस उनतालीस एशियाई मूल की केवल छठी महिला होने के बाद वह किसी भी मुख्य अभिनेत्री फिल्म श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाली एशियाई मूल की पहली व्यक्ति बनी संगीत या कॉमेडी श्रेणी में मुख्य अभिनेत्री में नामांकित होने के लिए वंश 40 उसी वर्ष उन्होंने फिल्म जुमानजी द नेक्स्ट लेवल में अवतार मिंग फ्लीटफुट के रूप में अभिनय किया 41 जो व्यावसायिक रूप से सफल रही बयालीस उन्नीस जुलाई 2019 में अक्वाफिना को मार्वल स्टूडियोज के शामची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स में कैटी के रूप में अभिनेता सिमू ल्यू और टोनी ले च्यू वाई के साथ लिया गया था डेस्टिन डैनियल क्रेटन द्वारा निर्देशित यह फिल्म 3 सितंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिसने आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की और चार सौ डॉलर मिलियन की कमाई की चवालीस पैंतालीस छियालीस शांची में अपने अभिनय के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सैटन पुरस्कार जीता अगस्त 2019 में डिज्नी ने घोषणा की कि अक्वाफिना एनिमेटेड फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन में सिसु ड्रैगन को आवाज देगी जो 5 मार्च 2021 को रिलीज हुई थी सैतालीस अकवाफिना ने फिल्म के लिए अपने अधिकांश संवादों में सुधार किया जिसकी तुलना रॉबिन विलियम्स से की गई अलादीन में जिन्न के रूप में प्रदर्शन 48। 2020 तक अकवाफना ने कॉमेडी श्रृंखला इज नोरा फ्रॉम क्वीन्स में अभिनय किया वह उस शो की लेखिका और कार्यकारी निर्माता भी है प्रचार अभियान के हिस्से के रूप में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी सबवे की सातवीं ट्रेन के लिए नई घोषणाएं रिकॉर्ड की उनचास चुटकुले बनाए जैसे यह हंटर्स पॉइंट एवेन्यू है एक दोस्ताना अनुस्मारक की सीटें लोगों के लिए है आपके बैग के लिए नहीं और यह छियालीसवीं स्ट्रीट है जो एक भाग्यशाली संख्या है मैंने इसे अभी इंटरनेट पर सीखा है यह भी सीखा है कि कबूतर और कबूतरी एक ही चीज है क्या हर स्टॉप पर इन रिकॉर्डिंग्स का उपयोग 22 जनवरी को श्रृंखला के प्रीमियर तक किया गया था उनचास सीजन के एक एपिसोड में सिमूल ने शांची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स की रिलीज से पहले एक अतिथि भूमिका निभाई थी छवि और कलात्मकता 2020 में 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के रेड कारपेट पर अकवाफना अकवाफना ने कहा है कि चार्ल्स बुकोव अनाइसन जोन डिडियन टॉम वेट्स और चेत बेकर शुरुआती प्रभाव थे 50 अपना मनोरंजन करियर शुरू करने से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में गोथम गजट में एक प्रशिक्षु के रूप में काम किया अल्बानी न्यूयॉर्क में टाइम्स यूनियन अखबार में एक प्रशिक्षु के रूप में और प्रकाशन गृह रोडेल बुक्स के प्रचार सहायक के रूप में बारह जिसने उनके संगीत वीडियो की खोज के बाद उन्हें निकाल दिया बाद में उन्होंने शाकाहारी बोदेगा में काम किया पंद्रह अक्वाफिना ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ हॉलीवुड हस्तियों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन टाइम अप के लिए समर्थन व्यक्त किया है इक्यावन उन्होंने अधिक महिला निर्देशकों की वक़ालत की है और मीडिया में एशियाई लोगों की रूढ़िवादिता के खिलाफ भी वकालत की है इक्यावन उन्हें गैप के लोगो रीमिक्स अभियान में दिखाया गया था जिसमें एसजेडे सबरीना क्लाउडियो और नाओमी वतनबे जैसे उभरते कलाकार शामिल थे जो अपनी शर्तों पर रचनात्मक संस्कृति को रीमिक्स कर रहे हैं बावन 2015 में उन्होंने एक गाइडबुक अक्वाफिनास एनवाईसी जारी की तिरपन अक्वाफिना को 2017 में कोरे एशियन मीडिया की फीमेल ब्रेकआउट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था चौवन सोलह मई 2019 को उन्होंने द इन्फेचुएशन के वार्षिक फूड फेस्टिवल ईड्सकॉन में सुर्खियाँ बटोरी उन्होंने क्वींस में अपने पालन पोषण के बारे में बताया जहां उनके परिवार के पास एक कैंटोनीज रेस्तरां था पचपन अकवाफिना ने एक फैशन मॉडल के रूप में एक प्रोफाइल विकसित की है जो नियमित रूप से मैगजीन कवर पर दिखाई देती है जिसे वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोबारा पोस्ट करती है इनमें वोग एलियोर हार्पर्स बाजार कॉस्मोपॉलिटन, मैरी क्लेयर और नारीवादी पत्रिका बस्ट शामिल है छप्पन सांस्कृतिक विनियोग अक्वाफिना को एवी के सांस्कृतिक विनियोग और अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के रूढ़िबद्ध तौर तरीकों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है पाँच सात पाँच आठ दो शून्य एक आठ में उन्होंने कहा मैं उस बातचीत का स्वागत करती हूं क्योंकि एक एशियाई अमेरिकी पहचान के रूप में हम अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह क्या है उनसठ पाँच फरवरी 2022 को अकवाफिना ने ट्वीट किया मेरी आप्रवासी पृष्ठभूमि ने मुझे उन फिल्मों और टीवी शो से एक अमेरिकी पहचान बनाने की अनुमति दी जो मैंने देखी जिन बच्चों के साथ मैं पब्लिक स्कूल गया और हिप हॉप के लिए मेरा अटूट प्यार और सम्मान था मुझे लगता है कि एक समूह के रूप में एशियाई अमेरिकी अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए उस यात्रा का क्या मतलब है क्या सही है और वे कहाँ नहीं है एक गैर काले पीओसी के रूप में मैं इस तथ्य पर कायम हूं कि मैं ऐसा करूँगा हमेशा सुने और एवी के इतिहास और संदर्भ को समझने के लिए अथक प्रयास करें साठ इकसठ कार्यकर्ताओं ने इस प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए इसे कई वर्षों की देरी और अप्राप्य बताया बासठ तिरसठ फिल्मोग्राफी चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2016 बुरा रैप संगीत स्वयं दस्तावेजी पड़ोसी दो सोरोरिटी राइजिंग क्रिस्टीन सारस बटेर आवाज की भूमिका 2018 दोस्त रेबेका महासागर आठ कॉन्स्टेंस पागल अमीर एशियाई गो पीकलिन दो हजार उन्नीस बिदाई बिली वांग पैराडाइज हिल्स यू द एंग्री बर्ड्स मूवी दो कटनी आवाज की भूमिका बिटवीन टू फंस द मूवी स्वयं जुमान जी अगला स्तर मिंग फ्लीट फुट दो हजार बीस स्पंज बॉब मूवी स्पंज ऑन द रन ओटो आवाज की भूमिका 2021 हजार इक्कीस युवा काउंटी में ताज़ा समाचार मीना राया एंड द लास्ट ड्रैगन सिसु चौसठ आवास की भूमिका शांची और द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स के टी पैंसठ हंस गीत कैट 2022 हजार बाईस बैड गाइज सुश्री तारंट्यूला आवाज की भूमिका 2023 हजार तेईस रेनफील्ड रेबेका क्विंसी नन्ही जलपरी अरिगीठी आवाज की भूमिका वंस अपॉन ए स्टूडियो सिसु आवाज की भूमिका लघु फिल्म प्रश्नोत्तरी लेडी एनी प्रवास लक्कड़ आवाज की भूमिका 2024 हजार चौबीस कुम्फू पांडा चार जेन आवास की भूमिका उत्पादन में छियासठ अगर ऑक्टोकैट आवास की भूमिका 2025 हजार पच्चीस सुनसान जंगल श्रीमती मैककील आवास की भूमिका उत्पादन में टीबीए ग्रैंड देथ लोटो केटी फिल्माने इसके बाद उन्होंने एक्टर स्टूडियो में अध्ययन किया और एक समर्पित मेथड अभिनेता बन गए 1960 में हॉफमैन को एक ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में एक भूमिका के लिए चुना गया और उसके बाद उनके ब्रॉडवे डेब्यू प्रोडक्शन ए कुक फॉर मिस्टर जनरल उन्नीस में एक छोटा सा हिस्सा लिया गया तीन शून्य एक नौ दो में मेडिसन ओहियों में रैबिट रन थिएटर के राइट मी ए मर्डर के ग्रीष्मकालीन स्टॉक प्रोडक्शन में दिखाई दिए इकतीस और ऑफ ब्रॉडवे के शेरिडन स्क्वायर प्लेहाउस में द डेज एंड नाइट्स ऑफ बीबी फेनिस्टरमेकर में उलू ग्रोसबार्ड के सहायक निर्देशक शक के रूप में काम किया 1964 में हफमैन प्रिंसटन के मैककार्टर थिएटर में थ्री मेन ऑन हॉर्स में बत्तीस और उन्नीस में जोएल ग्रे के साथ ऑफ ब्रॉडवे के हैरी नोन एंड नाइट 33 में दिखाई दिए ग्रोसबार्ड और हॉफमैन उन्नीस में लीजे कॉब और मिल्ड्रेड डनॉक अभिनीत देत ऑफ ए सेल्समैन की रिकॉर्डिंग के लिए फिर से एकजुट हुए जिसमें हॉफमैन ने बर्नार्ड की भूमिका निभाई चौंतीस वह ग्रोसबार्ड के उन्नीस के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज में सहायक निर्देशक थे जिसमें रॉबर्ट डुवेल और जॉन वोइट ने अभिनय किया था 35 और 1965 के अंत में ब्रॉडवे पर ग्रोसबार्ड के द सब्जेक्ट वाज रोजेज में मंच का प्रबंधन किया और दिखाई दिए 1936 अप्रैल १९६६ में ऑफ ब्रॉडवे के द जर्नी ऑफ द फिफ्थ हॉर्स सैंतीस में हॉफमैन के स्पष्ट रूप से रेखांकित और स्पष्ट रूप से रंगीन प्रदर्शन के बाद नाटक ए में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली हेनरी लिविंग्स द्वारा जिसका यूएस प्रीमियर 16 अक्टूबर 1966 को स्क्वायर थिएटर के सर्कल में हुआ था निर्माता और तीन डी मूवी अग्रणी सिडनी डब्ल्यू पिंक ने हॉफमैन को उनकी एक ऑफ ब्रॉडवे भूमिका में खोजा और उन्हें इसमें शामिल किया मैडिगन के लाखों 1960 के दशक की शुरुआत और मध्य में हॉफमैन ने नेकेड सिटी द डिफेंडर्स और हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम सहित टेलीविजन शो और फिल्मों में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें ड्रामा डेस्क अवार्ड मिला साथ हॉफमैन ने उन्नीस में एली व्लाक के साथ द टाइगर मेक्स आउट से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की उन्नीस में द टाइगर मेक्स आउट पर प्रमुख फिल्मांकन पूरा करने के तुरंत बाद हॉफमैन ने न्यूयॉर्क शहर से फार्गो नॉर्थ डकोटा के लिए उड़ान भरी जहां उन्होंने विलियम गिब्सन की टू फॉर द सीसो और विलियम सरोइन की द टाइम ऑफ योर लाइफ की प्रस्तुतियों का निर्देशन किया फार्गो मुरहर सामुदायिक थिएटर के लिए आठ सप्ताह के अनुबंध के लिए उन्हें जो एक हजार डॉलर मिले थे वह सब उन्हें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस मूवी के बारे में और सारी कुछ जानकारी मैंने आपको बताई बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप किसी भी मूवी या सीरीज़ के बारे में पूछना चाहते हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम क्रिसमस से रिलेटेड भी कई मूवीज एक तरह से आपके लिए लेकर आए हैं आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में